बेसिकली दिस पैरासाइट जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स का ये एक मोड है। दीज आर द प्लांट्स विच डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर मेकिंग देयर ओन फूड, यानी कि जो मेन एक प्लांट के ऊपर और एक प्लांट जिंदा रहता है उसी का खाना चुराता है और उसी से वो अपना पेट भर पाता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ पैरासाइट डेराइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट। पैरासाइट्स ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू और प्लांट एंड एनिमल्स, दे कॉज वेरियस डिजीजेस। यानी जब दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करता है तो वो क्या करता है ना, जो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो बेचारे के ऊपर बहुत सारा डिजीज़ को छोड़ देता है, तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारा नुकसान भी होता है। देर आर बेसिकली द स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट, यानी ये जो नया पौधा उगता है वो या फिर उसका स्टेम के ऊपर भी उग सकता है या फिर उसका जड़ यानी रूट के ऊपर भी उग सकता है। दीज पैरासाइट्स आर बेसिकली कैटेगराइज इंटू टू पार्ट्स, द टोटल पैरासाइट्स द पार्शियल पैरासाइट्स। द प्लांट विच डिपेंड होली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स, यानी जो कि अपना पूरा खाना बनाने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर भरोसा करता है उसको बोलते हैं टोटल पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगाई आर सेड टू बी द टोटल पैरासाइट्स, वेयर एज सम ऑफ द प्लांट्स विच हैव द टेंडेंसी टू मेक देयर ओन फूड बट दे कैनॉट मेक द फूड वाटर मिनरल एक्सेट्रा फ्रॉम बाय देयर ओन, दे डिपेंड्स अपॉन अदर टू मेक इट। These are said to be the partial parasitic plants. Some of the examples are mistletoe are said to be the partial parasitic plants. So यहाँ से हम लोगों को ये एक चीज़ पता चलता है, some of the examples of parasites are amarbel, fungi, mistletoe. तो आपको अगर कोई पूछे कि parasites का मतलब क्या है तो आप लोग ये बता सकते हैं कि parasite यानी कि जो एक plant दूसरे plant के ऊपर जिंदा रहता है और वो दूसरा plant भी जिंदा ही रहता है उसके ऊपर depend करता है खाना बनाने के लिए, उसको बोलते हैं parasites. Now come to the part that is said to be the saprophyte. The plants which live on dead and decaying matter and derive their food from it are called saprophytes. Yani ki jab ek pauda dusre mare hue kuch bhi products pe जिंदा रहता है उसी को decompose करता है और उस पे ही वो जिंदा रहता है, उसी से वो खाना बनाता है, उसको बोला जाता है saprophytes. उसका प्रोसेस जो कि आपका राइट हैंड साइड में दिया है देखिए, वो वहाँ से कैसा करता है ना, द सैप्रोफाइट ग्रोज ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, उसका ऊपर ग्रो करता है, उसके बाद द सैप्रोफाइट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, उसके बाद करता है क्या, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट इट इंटू अ सोल्यूशन। द सैप्रोफाइट अब्जॉर्ब्स द सोल्यूशन एंड ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन, यानी वो क्या करता है पहले ना, वो सैप्रोफाइट जो है वो एक ऑर्गेनिक मैटर जो कि मर गया है उसके ऊपर जिंदा रहता है, उसके बाद क्या करता है ना, उसको डाइजेस्टिव जूसेस देता है जिससे वो पूरा गल जाए यानी डिकम्पोज हो जाए, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद उससे जो उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको जो एनर्जी मिलता है उसी के ऊपर वो जिंदा रहता है। दीज आर सेड टू बी द सैप्रोफाइट। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फंगाई, जो कि आप लोग मशरूम खाते हो वो मशरूम भी इसी से बना होता है। द नेक्स्ट इज इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट्स ये जो कि आप लोग बचपन से जानते हो, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, यानी इससे क्या पता चलता है कि द प्लांट दोज हु हैव द टेंडेंसी टू ट्रैप द इंसेक्ट्स फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन आर सेड टू बी द इंसेक्टिवरस प्लांट। इससे क्या होता है ना, वो जब प्लांट को ट्रैप मतलब इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं उसमें से उसको नाइट्रोजन मिलता है जिससे वो लोग अपना खाना बना सकते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स जैसे कि मैंने बोला पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा।